नमस्कार, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका आपके बेहद अजीज शो तुझसे नाराज नहीं जिंदगी पावर्ड बाय चिंग्स पर। दोस्तों, पाप और अत्याचार को पनपने के लिए, जीतने के लिए अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो बस अच्छे लोगों की चुप्पी की। मेरा मानना है कि अच्छाई को, सच को जीतने के लिए अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो सिर्फ एक सच्चे इंसान की आवाज की। वो आवाज है हमारी आज की कहानी की नायिका सुल्ताना की। यूपी के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली 20 साल की सुल्ताना, उसने कुछ ऐसा किया जिसने ना सिर्फ उसके गांव वालों को बल्कि घर वालों को भी उलझन में डाल दिया। आज जुम्मे के दिन मेरी आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को काम पर ना भेजकर हमारे मदरसे भेजा करें। आज के वक्त में पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। वो पढ़ेंगे लिखेंगे, पढ़ाई लिखाई उन्हें आगे ले जाएगी, एक मुकम्मल इंसान बनाएगी। दूसरे के खेतों में काम करके, उनके खेतों में हल चलाकर क्या बनेंगे? कुछ भी नहीं। सो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उन्हें हमारे मदरसे में पढ़ाई लिखाई के लिए भेजा करें। आप लोग यहां बैठे बैठे बस हुक्का पीते रहिए। और आपको पता है वो नया मौलवी फिर से इन मैत्रों को भड़का रहा है, कह रहा है कि इन बच्चों को खेतों में काम करने मत भेजिए, पढ़ाई लिखाई करवाइए। अरे नीच लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे तो हमारे खेत कौन सींचेगा? और अगर कल वो कहेगा कि जाति पाति भूल जाओ तब क्या करेंगे हम? बेटा, उसके बोलने से कुछ नहीं होता। सदियों के रीति रिवाज एक मौलवी के बोलने से नहीं बदलते। आप बस हुक्का पीते रहिए, आपके बस की बात नहीं है ये। अशरफ, ये क्या तरीका आप लोगों से बात करने का? जबान को लगाम ही नहीं दे रहे। वैसे अशरफ बात सही कह रहा है, इससे पहले कि वो मौलवी कोई मुश्किल खड़ी कर दे हमें उसको रोकना पड़ेगा। जहान साहब, लोग बहुत मानते हैं उसे, वो मौलवी है, सरकारी कर्मचारी नहीं कि धमकी से काम चल जाएगा। और फिर मामला इतना आसान भी नहीं। प्लस दो स्क्वायर इक्वल टू एक्स की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे एक्स के सामने, इसको इसके आधे से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो, चलो। क्या ये? क्या है? क्या ये? ये क्या है? कुछ नहीं है। बताते कि नहीं? ना कुछ नहीं। अरे कहाँ जा रहा है? रुक, आज शाम घर आ तब बताती हूँ तुझे। चले भाग साले। अरे मौसी मिया, कौन है वो? अच्छा चलो ठीक है, नाम ही बता दो। अबे इधर आ। अरे इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है आपका? जाओ लेके आओ इसको। इसे जाने दो। अब्बू छोड़ो मुझे। अगली बार हमारे रास्ते में मत आना, अच्छा नहीं होगा।
चले लेके चले छोड़ो अरे छोड़ो चुप बैठ जा तेरा दिमाग खराब हो गया क्या चुप बैठ ये है ये देखिए ये है भैया इसका हाँ कितने बजे अरे 5 बज रहे मियाँ पिछले 5 मिनट में 3 बार पूछ चुका है चक्कर क्या है कितनी देर लगेगी मुझे नमाज के लिए जाना है अच्छा नमाज के लिए जाना है अच्छा तू जा अच्छा भैया मैं बस अभी आई अच्छा बहन जी शुक्र अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह से नजरें मिली तो जन्नत सी महकी फिजाएं ऐसी अपनी मोहब्बत ऐसी भैया एक 4 दिन हम पे मेहरबान दो जहां शुक्र अफसाना है ना भैया ये 2 प्लेट चाट बनाने में कितना टाइम लगता है आपको अभी हमें नीचे मुझे ये पकड़ और घर चल उस मेहतर से क्या बात कर रही थी तुम भाईजान मैं कहाँ बात कर रही थी वो तो किताबें गिर गई थी ना तो वो उठा रहा था अगली बार किसी लड़के से बात करते हुए पाई गई ना तुम्हारा ये स्कूल जाना बंद करा देंगे हम ठीक है नहीं करेंगे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या अफसाना के अबू के खेत में काम करते हैं हम मालिक हैं वो तो क्या हुआ तो क्या तो ये होगा कि अगर किसी को पता चल गया ना तो जान से मार देंगे हम दोनों को मोहसिन यहाँ ये सब नहीं चलेगा और इसका अंजाम ना सिर्फ बुरा ही होगा तू कसम खा मेरी तू आज के बाद तू आज के बाद उस लड़की से नहीं मिलेगा ठीक है नहीं मिलूंगा और अगर मिला ना तो देख लेना आज शाम में अम्मी के साथ बाजार आऊंगी वहां मिलना जलेबी लेकर आती हूँ ठीक है बेटा थोड़ी जलेबी अब्बू के लिए भी ले लेना ठीक भैया 1.5 किलो जलेबी देना आज भी हमारे देश के कई कोनों में ऊंच नीच जात पात को लेकर भेदभाव किया जाता है सुल्ताना को उसके भाई के प्यार से एतराज नहीं था लेकिन वो जानती थी ये मुमकिन नहीं होगा
और अगर अफसाना के घर में किसी को पता चल गया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा और उसका डर सच निकला। अरे आशीष भैया ये क्या कर रहा है? कहाँ लेके जा रहे हो बेटी को? अरे आशीष भैया कहाँ लेके जा रहे हो इसे? अरे छोड़ो वो मर जाएगा। अरे आशीष भैया मर जाएगा वो। आशीष भैया मर जाएगा वो। आशीष भैया क्या बेटा मर जाएगा? क्या कर रहा है? औकात भूल गया अपनी। पैरों की जूती है पैरों में ही रहे। और आप लोग कान खोल के सुन लो, हमारी लड़कियों की तरफ आंख उठा के भी देखा ना, जिंदा दफना देंगे। लेके चलो इसे। नहीं नहीं मशीन को मार देंगे ये लोग। अब चलो उनके घर। अब चलो। अरे अरे उसको छोड़ो मर जाएगा। चल अरे मर। अरे चलो 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 खुदा के वास्ते मेरे भाई को जाने दो। इसने हमारी लड़की पे नजर कैसे डाली? इतनी हिम्मत तुम लोगों की? आज इसने खत लिखे हैं, कल को भगा लिया था तो इसे इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। मेरे भाई को जाने दो, इतना मार चुकी हूँ कि चल पाएगा कि नहीं। अब हम इसे अपने चाचा के गांव ले जाएंगे, कभी वापस इस गांव में नहीं आएगा। वो नादानी में गलती कर बैठा है। ठीक है, हम समझौते के बारे में सोचेंगे, लेकिन आज की रात ये लड़का यहीं रहेगा। रैम, खुदा के वास्ते मेरे भाई को जाने दे। ए लड़की, चलो बहुत हो गया, अब अपने घर जाओ, तुम्हें इसके बारे में इतला मिल जाएगी। चलो कि हम इन जैसों के साथ समझौता करेंगे। अरे इसको काट के फेंक क्यों नहीं देते हम खेत में? इसे इतनी आसानी से थोड़ी मरने देंगे। इसने हमारी इज्जत पर हाथ डाला है, इज्जत के बदले इज्जत लेंगे। और इसके साथ कुछ ऐसा करेंगे ताकि फिर कोई नीच लड़का ऐसी हरकत ना करे। चलो समझौता मंजूर है, लेकिन उनकी एक शर्त है। वो ये कि आपको और आपकी बेटी को सभी के सामने माफी मांगनी होगी, फिर आप अपने बेटे को ले जा सकते हैं। हाँ, हमें मंजूर है। ठीक है, फिर 9 बजे आ जाना वहां। सुल्ताना, मेरे बेटे को माफ कर दीजिए मालिक, माफ कर दीजिए। मैं इसे कल ही अपने भाई के घर उसके गांव भेज दूंगा। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। वो तो तू भेजेगा ही, लेकिन एक मुश्किल है। अब्बा कह रहे हैं कि ये समझौता हमें आधा मंजूर है, पूरा नहीं। इसका क्या मतलब? हमें कहा गया था कि आप सबको समझौता मंजूर है। तेरी बेटी की जबान कुछ ज्यादा चलने लगी है रहीम। चल कोई बात नहीं, इसे आज लगाम लगा देंगे। मतलब मैं समझाता हूँ, मेरी बहन मेरे घर की इज्जत,
और तेरे भाई ने उस पर हाथ डाला, उसको गांव से निकाल दे, ये कैसा इंसाफ हुआ? हम सब ने ये तय किया है कि इज्जत का बदला इज्जत। तेरे भाई ने मेरी बहन पे हाथ डाला और हम तुझ पे हाथ डालेंगे। क्यों, सही बात? सही बात है। मरने के काम आएगा। अपनी झूठी शान और बदले की भावना की वजह से उन्होंने बड़े ही निर्दयता से सुल्ताना के साथ सामूहिक बलात्कार किया। वो डराना चाहते थे, सबक सिखाना चाहते थे, ना सिर्फ सुल्ताना और उसके परिवार को बल्कि पूरे गांव को। सुल्ताना बस उसका जरिया बनी।
मोहसिन को बहुत दर्द हो रहा है। देखिए सुल्ताना, सुल्ताना तुझे क्या हुआ? ये तेरी हालत कैसे हुई? हाँ मेरी बच्ची, चल अंदर चल। बलात्कार के बाद सुल्ताना ने आत्महत्या के बजाय जिंदगी चुनी। उसने अपने निजी डर और दर्द पर तो विजय प्राप्त कर ली, लेकिन औरों की नजरों में दिखने वाली आलोचना और सवालों को क्या वो सहन कर पाएगी? क्या उसके अपने उसे बिना किसी शर्त के अपना पाएंगे? और अगर ऐसे में किसी ने उसका साथ नहीं दिया तो ये दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, अल्लाह के आगे किसकी चलती है? अब आप सब अल्लाह पे छोड़ दीजिए। हमारे गांव की एक लड़की के साथ इसी गांव के लड़कों ने मिलकर जिना किया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह की हरकत का ना तो हमारे मजहब में कोई जगह है और ना हमारे गांव में, इसीलिए हम सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और हमें किसी के दबाव में भी नहीं आना चाहिए। उन लोगों ने यह समझा कि लड़की आत्महत्या कर लेगी और मामला अपने आप खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उस लड़की ने हिम्मत दिखाई जी कर, और अब हमें हिम्मत दिखानी है। क्या कहते हैं आप लोग? मैंने कहा था ना उस मौलवी को लगाम लगाओ। तो चुप कर, एक काम तो ढंग से होता नहीं है, बातें करता है बड़ी बड़ी। अरे मार क्यों नहीं दे लड़की को वहीं पर? अरे तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? गांव वालों को डर है हमारा, और फिर उस लड़की को कुछ दे के रफा दफा क्यों नहीं करते? कहाँ जा रही है सुल्ताना? तू बाहर नहीं जा सकती। कुछ शर्म आया है या नहीं तुझे? है, इसलिए जा रही हूँ थाने मौलवी साहब के साथ रपट लिखवाने। अरे दिमाग खराब हो गया है तेरा? अरे जीना मुश्किल कर देंगे वो लोग हमारा इस गांव में, और वैसे भी उनका यहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझी? कोई कुछ करे या ना करे, मैं यूँ चुप नहीं बैठने वाली। तू अंदर जा। इंस्पेक्टर साहब, ये सुल्ताना। इंस्पेक्टर साहब, ये वो कपड़े हैं जो मैंने उस दिन पहने थे, और ये रस्सी जो उन्होंने मुझे फांसी लगाने के लिए दी थी। मौलवी साहब, आपके कहने पे तो मैं रिपोर्ट दर्ज कर लेता हूँ, पर आपको मालूम नहीं उनकी ताकत बहुत ऊपर तक, ऐसा ना हो कि आप किसी मुश्किल में आ जाएं। इंस्पेक्टर साहब, ऊपर तक तो सिर्फ सच्ची दुआई पहुंचती है। आप रिपोर्ट दर्ज कीजिए और बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। ठीक है। सुल्ताना, केस वापस ले ले, वरना तेरे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। अशरफ को बोलना कि जो उसने करना था वो तो उसने कर दिया, लेकिन अब जो करेगी पुलिस करेगी। ए! छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो।
तुम में से असरफ कौन है? हम हैं, बोलिए। तुम्हारे नाम का वारंट है मेरे पास। अरे किस बात का भाई? हवलदार पकड़ो इसको। इसको वहां पे तिवारी रजिस्टर ले गया। साइन कर। डाल दे हवाला। मैं लखनऊ में रोजनामा लखनऊ अखबार का संवाददाता हूँ। हम तुम्हारी बहादुरी की कहानी छापना चाहते हैं। बहादुरी? हमारे प्रदेश में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो बलात्कार की शर्म से आत्महत्या करती हैं या डर के मारे पुलिस के पास नहीं जाती, लेकिन अब तक जो तुमने किया है वो एक मिसाल बन सकता है। पता नहीं नीलेश जी, मैंने उस वक्त जो किया वो किया जो मुझे सही लगा। अगर मैं उस वक्त उन लोगों के साथ नहीं जाती तो वो लोग मेरे भाई को मार देते। उस दिन से अब्बू बीमार पड़े हैं, मोहसिन कुछ नहीं बोलता, चुप हो गया है। अशरफ और उसके साथियों को अपने किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो तुम्हें मंजूर है ना हमारे साथ बात करना? देखो तुम जो बोलोगी वो हर जगह छपेगा। तो सुल्ताना जी हमें निसंकोच बताइए कि आपके साथ क्या हुआ था। दोपहर का वक्त था, हम सब अम्मी अब्बू मैं मोहसिन सब घर पे थे। अचानक से कुछ लोग आए और मोहसिन को पीट के ले गए। मैं बहुत चिल्लाई, बहुत मदद मांगी, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। फिर मैं और अब्बू उन लोगों के पास गए और भीख मांगी कि बच्चा है उससे गलती हो गई है, मोहसिन को छोड़ दो। लेकिन उन्होंने एक दिन की मोहलत मांगी। अगले दिन जब वहां गए तो कहने लगे कि हम सबने ये तय किया है कि इज्जत का बदला इज्जत। तेरे भाई ने मेरी बहन पे हाथ डाला और हम तुझ पे हाथ डालेंगे। गांव की न्यायिक व्यवस्था ने कुछ नहीं किया? गरीबों का साथ कौन देता है? एमएलए साहब, हमने आपको इसलिए जिताया था ताकि आप हमारे किसी दिन काम आ सके। मैं आपकी बात समझ रहा हूं मलिक साहब, लेकिन मामला थोड़ा पेचीदा है। बात मीडिया तक पहुंच गई है और आजकल बलात्कार को लेकर हवा थोड़ी गर्म है, इसीलिए अशरफ मियां को कुछ दिन जेल में बैठना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन जल्दी ही मैं कुछ करता हूं। अब्बा,
लूंगा, खाना खा लो। अब्बा अब्बा अपने आप को सजा मत दो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मैं उनको सजा दिलवाऊंगी अब्बा, लेकिन लेकिन उसमें मुझे आपकी जरूरत है। उठ जाओ अब्बा। सब मेरी वजह से हुआ है अब्बा, सब मेरी गलती है। मुझे मर जाना चाहिए था। हम से किसी की गलती नहीं है, जो होना था वो हो गया। अब जिसकी गलती है उसे सजा दिलवानी है। ये लड़ाई तो अब चलती रहेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने आप को और मजबूत करना होगा। घर में मुंह छुपाकर बैठने से क्या होगा? मैंने मदरसे में तुम्हारे लिए बात कर ली है। गांव की बहुत सी लड़कियां वहां पढ़ने जाती हैं, तुम भी वहां पढ़ने जाया करो। और हाँ, मोशिन की पढ़ाई का भी ख्याल रखना होगा, सो उसको तुम मेरे पास भेज दो, ठीक है? जी मौलवी साहब। अब तुम जाओ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। इतनी छोटी उम्र में इतनी हिम्मत, ना जाने सुल्ताना में कहां से आई। समाज, घर वाले, अपनी इज्जत और जान की परवाह किए बगैर वो अकेले इंसाफ पाने में लग गए। और जब पुलिस ने अशरफ और उसके साथियों को गिरफ्तार कर जेल में डाला, उसे लगा कि अब उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन जहान मलिक इतनी आसानी से एक लड़की से हार नहीं मानने वाला था। ये लड़ाई तो अब चलती रहेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने आप को और मजबूत करना होगा। घर में मुंह छुपाकर बैठने से क्या होगा? मैंने मदरसे में तुम्हारे लिए बात कर ली है। गांव की बहुत सी लड़कियां वहां पढ़ने जाती हैं, तुम भी वहां पढ़ने जाया करो। और हाँ, मोशिन की पढ़ाई का भी ख्याल रखना होगा, सो उसको तुम मेरे पास भेज दो, ठीक है? जी मौलवी साहब। अब तुम जाओ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अब्बू ये फल कहाँ से आए हैं? अम्मी, अम्मी, अम्मी ये बोरियां कहां से आई हैं? अम्मी, अम्मी कहां से लेकर आई हो? अशरफ के अब्बा ने भिजवाया है, और भी भिजवाएंगे। बस अब तू ये केस वापस ले ले। क्या कर रही है सुल्ताना ये तू? अरे क्या कर रही है ये सब तू? सुल्ताना, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। तेरे अब्बा भी काम से वापस नहीं गए हैं। ले ये पैसे मुझे दे। नहीं सुल्ताना, ये पैसे मुझे दे दे। नहीं दूंगी। और छोड़ो मुझे अम्मी। सुल्ताना बात सुन, छोड़ो मुझे। सुल्ताना पैसे वापस दे मुझे। नहीं दूंगी। बहुत हो गया, जाने दे इसे।
इतनी हिम्मत कि तो दोबारा चल के यहाँ आई? ये पैसे भेजने की गलती भी मत करना, मुकदमा तो होगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। बहुत महंगा पड़ेगा लड़की, सोच ले। सोच लिया। हाई कोर्ट में अपील करो, जितना पैसा चाहिए उतना खर्चा करूंगा, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। आपने जो किया है वो वाकई काबिले तारीफ है और हम यहाँ सब लोगों को बताना चाहेंगे कि इनके हौसले की हम कदर करते हैं और इनके साथ कदम से कदम मिला के हम इनकी लड़ाई को आगे ले जाएंगे और इसे यहीं खत्म होने नहीं देंगे। मोहसिन प्लीज इन्हें सम्मानित करें। बिठा इनको यहाँ। तिवारी रजिस्टर लेके आ। साइन कीजिए। लेके जा। एक आवाज, वो पहला कदम, अगर हम दिमाग से सोचें तो गांव में रहने वाली एक 20 साल की अनपढ़ लड़की ये केस नहीं जीत सकती थी, लेकिन वो जीती। अनगिनत मुश्किलों और धमकियों के बावजूद जीती। आज सुल्ताना अपने गांव में लड़कियों के लिए एक स्कूल चलाती जिसमें वो खुद भी पढ़ती। उसकी जिंदगी ने कई सारी लड़कियों को प्रेरित किया आगे बढ़कर आवाज उठाने के लिए, चुप्पी तोड़ने के लिए और मुस्कुराकर कहने के लिए कि तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। अगली बार फिर हाजिर होऊंगा एक और ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ, यहीं तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, पावर्ड बाय चिंग्स पर। तब तक के लिए